礼いたします。Finally bought time with a cultured anime review. この服を着ますね。これを着ればご主人様に喜んでいただけるのでは。तो गाइस एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है. स्वागतम टू अनदर वीडियो एंड दिस इज एनिमे रिव्यू एपिसोड 38. आई नो वार्निंग देना बेकार है बट मेक श्योर कि तुम 18 हो. यू आर नॉट 18 प्लीज स्किप दिस वीडियो एंड द एनिमे. पहले यहाँ पर तुम लोगों को मैं इस एनिमे देखने के पीछे जो रीजन है वो बता देता हूँ. मतलब कोई खास रीजन तो नहीं है बट होता है ना हर न्यू सीजन में तुम लोग एक अच्छे एनिमे रखते हो अपने लिस्ट में जैसे मैं रखता हूँ. सॉरी गलती से सच बोल दिया यार. तो जब बहुत पहले मैंने इस एनिमे के बारे में सुना था कि कुछ ऐसे एनिमे आने वाले जो बहुत ही बढ़िया कल्चर्ड वाले एनिमे, आई वाज लाइक ओके देखते हैं रेड ऑफ हिलर को बीट कर पाएगा या फिर नहीं. ये लगवाते कि रेड ऑफ हिलर कोई स्टोरी नहीं है. फोटू तो पॉन में स्टोरी ढूंढता है क्या. बट ये एनिमे कल्चर्ड होने के साथ साथ स्टोरी मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा लगा. कैन यू कॉल इट अ बेटर एनिमे देन रेड ऑफ हिलर. तो बेसिकली एनिमे आने से पहले मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड था और आने के बाद थोड़ा देखा एंड मैंने प्रॉमिस किया था स्ट्रीम पे कि मैं रिव्यू करूंगा. हियर इट इज ब्रो. ये जो एनिमे है इसके बारे में बातचीत करने से पहले शुरू में हम लोग जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ इंट्रोड्यूस करा देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो हमारा मेन कैरेक्टर उसका नाम है मिचियो. बहुत ही ज्यादा मस्त है मेरे भाई, तुम लोगों को बढ़िया लगने वाली है वाला कैरेक्टर. ये बंदा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, हैंडसम और बहुत ज्यादा स्मार्ट है. और हाँ, ही इज वन ऑफ अस मैन ऑफ कल्चर. और हमारे मिचियो के साथ साथ एक फीमेल कैरेक्टर है जो तुमको बहुत ही ज्यादा मस्त लगने वाला है एंड हर नेम इज रॉक्सन. बहुत ही ज्यादा मस्त कैरेक्टर है. और हम लोगों ने बेसिकली के बात किया, एनिमे देखने के पीछे रीजन बता दिया एंड कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस करा दिया. अभी बात करते हैं बिना स्पॉइलर दिए थोड़ा स्टोरी. मैंने आज तक बहुत सारे लोगों को देखा जो बस इसी का एनिमे देखते रहते हैं. मतलब उनका फेवरेट कैटेगरी इसी का है बट मेरा नहीं है. और मैंने आज तक बहुत सारे इसी का एनिमे देखा, उनके अंदर ना एक सिमिलर स्टोरी होती है. कुछ लोग अलग दुनिया में चले जाते हैं, कुछ लोग गेम के अंदर चले जाते हैं, मतलब कहीं पर भी रीइनकार्नेट हो जाते हैं एकदम से. और इस एनिमे के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है. यहाँ पर हमारा जो एमसी है मिचियो वो घर पे बैठ के एक चिप ऑनलाइन गेम खेलता है जहाँ पर जो बैंडिट्स है वो विलेजर्स के ऊपर हमला करता है. और हमारे एमसी को गेम खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है, वर्चुअल रियलिटी वाली गेम्स ब्रो. तो वहाँ पर बेसिकली जो विलेजर्स है उनके ऊपर हमला करता है बैंडिट. और हमारा एमसी जाके वहाँ पर हेल्प करता है, बचा लेता है, अरे के सारे बैंडिट्स को लिटरली पेल देता है ब्रो के लिए. और हाँ, ये गेम के अंदर था ब्रो. तो हमारे एमसी ने बेसिकली बैंडिट्स को हरा दिया, विलेजर्स को बचा लिया. और उस विलेज का जो मेन है तो चीफ बोलता है, उन्होंने हमारे एमसी को बहुत ही सारे इक्विपमेंट्स दे दिया जो बैंडिट्स के पास थे एज अ रिवॉर्ड, मतलब एकदम गिफ्ट. और ये सब लेने के बाद मिचियो लॉग आउट करने की कोशिश कर रहा था गेम से बट लॉगआउट नहीं हो रहा था. एंड एट दैट मोमेंट उसको पता चल गया था कि ही फक्ड अप. ये कोई गेम नहीं है, ये गेम के अंदर रियल वर्ल्ड में घुस चुका है. वहां पर ना उसको कोई जानता है ना वो किसी को. और वहां से शुरू होती है उसकी एडवेंचर वाली स्टोरी. ये एनिमे खतरनाक वाला एच और हैरम होने के साथ साथ भी स्टोरी बहुत मेरे को सही लगा. बहुत ही बढ़िया बढ़िया फाइट मोमेंट्स और फाइट के अंदर ऐसे मारते भाई देख के तुम्हारा दिमाग उठ जाएगा भाई. कोई सेंसर नहीं है भाई, कोई सेंसर नहीं है. और हाँ डियर मैन ऑफ कल्चर, इसके अंदर रेड लाइट एरिया भी है. अब तुमको पता है रेड लाइट एरिया क्या होता है, मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ. बहुत सारे अलग अलग कल्चर वाले स्टफ्स तो देख ही सकते हो. और उसके साथ साथ 4 नंबर एपिसोड सारे हद पार करके क्रॉस करके लिमिट एकदम दूर तक चले जाता है. इसलिए बोल रहा था कि प्लीज डोंट वॉच दिस एनिमे इफ यू आर नॉट 18. और मैं यहाँ पर अपने एक ऑनेस्ट वाला ओपिनियन दे रहा हूँ. 4 नंबर एपिसोड देखने के बाद मैं अपने आप को पूछ रहा था कि ब्रो ये एनिमे क्या लीगल है देखना, इज इट लीगल टू वॉच, इसको हम एनिमे बोल सकते हैं, दिस इज हेंटाई ब्रो, फक ब्रो. मैं अपने आप को पूछ रहा था ब्रो मैं गलत वेबसाइट पे आ गया क्या, होता है. इस एनिमे का दो अलग अलग वर्जन है, एक सेंसर्ड एक अनसेंसर्ड. अनसेंसर्ड देखोगे तो तुमको पता है सेंसर्ड वाले जगह पे हर जगह पे सेंसर लगा हुआ है. जिन लोगों ने देखा वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं, जिन लोगों नहीं देखा वो देख के अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे देना. 3 हफ्ते बाद एनिमे रिव्यू कर रहा हूं तो लाइक बटन ठोकना चाहिए. और हाँ, एनिमे का नाम जापानीज में इसी का है मिक्यू दे हेरम वो, और इंग्लिश में इसका नाम हेरम इन द लेबरिंथ ऑफ अनदर वर्ल्ड. और हाँ, अभी तक वीडियो देख रहे हो तो यार चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब बटन ठोक दो यार, ये मेरे को हेल्प करता है और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है. इंस्टाग्राम पे हो तो आ जाओ, वहां पर पोस्ट वगैरह कर देता है क्या देखते हैं. ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.